गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बेटा आज आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डिस्कस किया जाएगा। कल हमने अपने लेक्चर के अंदर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डिस्कस किया था, आज हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को डिस्कस करें। कल हमने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट कराया था ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू द चेंज इन द डिमांड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से, डिमांड में चेंज होने की वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू में चेंज होना पाया गया था, जिसे हमने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहा। उसकी वो डिक्रीजिंग वैल्यू जो थी वो डेप्रिसिएशन के अंदर इन्वॉल्व की जा रही थी, और उसी डेप्रिशिएट वैल्यू को रिकवर करने का सोर्स भी बताया गया था, जिसका नाम था डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू तो डेप्रिशिएट ही होगी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स, लेकिन वो जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है वो वैल्यू डेप्रिशिएट नेचुरल कैलामिटी के होने से हो रही है। कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई, डाउनफॉल आ गया इकोनॉमिकली, इन दो कॉजेस की वजह से उसे हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब डेप्रिशिएट हो रही है तो उसका डेप्रिशिएट होने का जो कॉज है वो सर्टेन नहीं है, उसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल कैलामिटी जो आती है, प्राकृतिक आपदा जो आती है वो कहकर नहीं आती। इकोनॉमिक रिसेशन जो दूसरा कारण है उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करने का, वो भी कहकर नहीं आता, प्लानिंग के थ्रू नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है, सरप्राइजिंग होता है, इसलिए उसे हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। और जब ये अनएक्सपेक्टेड होता है, इसकी डेप्रिशिएशन वैल्यू जो है वो नेचुरल कैलामिटी के बेस पर है, इकोनॉमिक रिसेशन के बेस पर है, तो हम इसकी डेप्रिशिएशन वैल्यू को डेप्रिशिएशन अकाउंट में इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते। कैपिटल लॉस है मानता हूं, आपने पैसा लगाया अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, नेचुरल कैलामिटी की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का यूज हुआ ही नहीं, लेकिन टर्म तो चेंज हुआ, मंथ और ईयर और डेज चेंज हुए, इकोनॉमिक रिसेशन होने की वजह से टाइम तो बार्गेन किया गया, लेकिन उसकी वैल्यू को हम कैपिटल लॉस मान सकते हैं, लेकिन उसकी उस डिक्रीजिंग वैल्यू को डेप्रिशिएशन वैल्यू नहीं मान सकते। इस्तेमाल
इसलिए कहा गया कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जिस कॉज की वजह से हो रहा है उस कॉज में वैल्यू का डेप्रिशिएट होना तो नेचुरल है, लेकिन आप उस कैपिटल लॉस को रिकवर भी कर सकते हैं। डेप्रिशिएटेड वैल्यू को एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर हमने कैसे रिकवर किया? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। अब हमारे सामने अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वो क्या है? एक कैपिटल लॉस है, डेप्रिशिएटेड लॉस नहीं है। तो अगर कैपिटल लॉस है तो हम उसे इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट से, उसके फंड से रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रोड्यूसर जो है जब फिक्स एसेट्स परचेज करता है तो उसका इंश्योरेंस भी लेता है, और उसके उस इंश्योरेंस से आप उसके कैपिटल के लॉस को बियर कर सकते हैं। आपके सामने मैंने आज अपने लास्ट लेक्चर जो कल दिया था उसको भी रिकॉल कर दिया, और आज लेक्चर था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, उसको भी मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों को अगर आप कंपैरेटिव स्टडी के अंदर लाएंगे, तो पहला कंपैरेटिव स्टडी में इन दोनों का डिफरेंस क्या दिखाई देगा आपको? कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। इसी चीज को एक्सपेक्टेड में लेकर आते हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डेप्रिशिएट हो रहा है किस कॉज की वजह से? जो अनएक्सपेक्टेड है वो है नेचुरल कैलामिटी, इकोनॉमिक रिसेशन, इसकी वजह से। तो पहला डिफरेंस आपके सामने कंपेराइज कर दिया गया। दूसरा डिफरेंस, उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू को हम डेप्रिशिएट वैल्यू मानते हैं, इसलिए उसे हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर डेप्रिशिएशन के अंदर रखते हैं, और हम ये इस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट तो मानते हैं लेकिन डेप्रिशिएशन के अंदर नहीं रखते, बल्कि वो कैपिटल लॉस माना जाता है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड कॉज की वजह से हुआ है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से और आपका इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। ऐसे ही उस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में वैल्यू को डेप्रिशिएट वैल्यू को डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर कैपिटल लॉस होने की वजह से हम उसे इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है जब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है तो उसको ऑलरेडी इंश्योर्ड करा देता है, इसलिए उसे इंश्योरेंस क्लेम करके उसका कैपिटल लॉस को वो बियर कर सकता है। तो मैंने आपके सामने थ्री पॉइंट्स जो थे इन दोनों के डिफरेंस के वो डिस्कस कर दिए। आपके सामने क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आ जाए तब भी आप उसका आंसर अपने आंसर शीट्स के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें अलग अलग पोर्शन में शॉर्ट नोट के लिए लिया जाए तो आप दोनों को इंडिविजुअली सेपरेटली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। मैंने आज इस लेक्चर के अंदर आपने आज के टॉपिक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को भी सुन लिया, और जो लास्ट टॉपिक था मेरा कल अपने लेक्चर के अंदर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस उसको भी सुन लिया, इसके डिफरेंशिएशन को भी आपने एनालाइज कर लिया। अब आप इस वीडियो को बड़े बड़े कंसंट्रेशन के साथ सुन सकते हैं और देख सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये ऑब्सोलेंस का जो टॉपिक है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट किन किन स्टेजेस में है। हमें ये नहीं समझना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें कोई कंसंट्रेशन करनी ही नहीं है। तो
कोई फोकस करना ही नहीं है, हमें एक इसे ऑर्डिनरी टॉपिक के हिसाब से उसके रूप से लेना है और उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।